हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 19 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। यह करंट अफेयर्स एसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी जैसे स्टेट बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है, यानी विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 19 अप्रैल। लीवर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है और इसका मेन फंक्शन पाचन तंत्र में हेल्प करना होता है। हाल ही में अडोब पीडीएफ के फाउंडर का निधन हो गया। क्वेश्चन है कि इनका नाम क्या था? तो आंसर होगा चार्ल्स गेशकी इनका नाम था। इनका निधन हुआ था 81 साल के उम्र में और इन्होंने अडोब पीडीएफ को फाउंड किया था 1981 में। हाल ही में किस देश में क्रिप्टो करेंसी से खरीदारी करने से लिए मना कर दिया गया है? इसका आंसर है तुर्की। हाल ही में किस न्यायालय ने केंद्र सरकार को बताया कि सभी वाहनों के लिए फास्ट को अनिवार्य करना किसी भी नागरिक का स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है मुंबई हाईकोर्ट, मुंबई उच्च न्यायालय। हाल ही में भारत के किस राज्य में 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में शरणार्थियों पर लगाई गई सीमा को समाप्त कर दिया गया है? इसका आंसर है अमेरिका, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में ऐसा इमिग्रेशन पॉलिसीज नहीं थी, लेकिन अभी जो बाइडन के समय में इमिग्रेशन में काफ़ी रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोविड-19 के बारे में है, किस कंपनी ने घोषणा की कि 10 लाख से अधिक अपने कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका लगवाना पड़ेगा? इसका आंसर है अमेज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र कोहली को हाल ही में निधन हो गया, वो किस भाषा के साहित्यकार थे? इसका आंसर है हिंदी। इनका जन्म 6 जनवरी 1940 को हुआ था। इन्हें पद्मश्री और व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही और करंट अफेयर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वेबसाइट engineinsight.com ज़रूर विज़िट करते रहें।